नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोगियों की संख्या 3,317 हो गई है। बुधवार रात आई रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया ने जो जानकारी दी है उसमें जयपुर में 43, जोधपुर में 50, पाली में 12, अजमेर में 5, अलवर, जालौर और झालावाड़ में 3-3, धौलपुर और डूंगरपुर में 2-2, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाईमाधोपुर और सीकर में 1-1 रोगी सामने आया है। किराएदार व उसके साथी के खिलाफ नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। यह मामला सवाईमाधोपुर में हुआ। महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि पड़ोसी किराएदार देवकी नंदन शर्मा व उसके साथी अनिल सोयल ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। नाबालिग ने बताया कि उसके परिजन लॉकडाउन में फंसे हुए थे। परिजनों के आने के बाद उसने अपने साथ हुई समस्त घटना की जानकारी दी तो परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया। नागौर में लॉकडाउन के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है। कोतवाली थाने की मरुधर कॉलोनी में यह मामला हुआ। बताया गया है कि यहां दिलीप बिश्नोई के पीठ पर चाकू से वार किए गए। दिलीप को गंभीर अवस्था में नागौर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव मौके पर पहुंच गए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने बुधवार को बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी सशर्त शुरू की जाएगी, जिसके तहत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 1 दिन में 2 ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकानों को खोलने और शराब की बिक्री करने के फैसले को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई है। एडवोकेट निखिलेश कटारा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, ACS गृह संयुक्त आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त को मामले में पक्षकार बनाया गया है। राजधानी जयपुर की ओर एक एडीजी अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के 2 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इस तरह की पोस्ट से देश का माहौल खराब होने के साथ साथ आपसी भाईचारा बिगड़ने की संभावना है। अदालत ने आरोपी सवाईमाधोपुर निवासी शाहरुख खान और इरफान की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र के सिसोला गांव में 11 kV का करंट आने पर घरों में हड़कंप मच गया। लोगों ने विद्युत विभाग को फोन कर बिजली बंद करवाई। वहीं इसकी चपेट में आने से एक बालक और युवती घायल हो गए, जिन्हें नैनवा के CHC में भर्ती करवाया गया है। वहीं घरों में करंट दौड़ने से कई विद्युत उपकरण भी जल गए। चूरू की सालासर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सालासर पुलिस थाना अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सैन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश गजेंद्र सिर्फ उर्फ गज्जू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 2017 में गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू परिहारा में चलानी गार्ड की आंखों में मिर्च डालकर फरार हो गया था। प्रदेश में 21 दूध संघ हैं, जिनमें मार्च महीने की शुरुआत में करीब 22 लाख लीटर दूध की रोजाना बिक्री हुआ करती थी, लेकिन अब यह घटकर 12 से 13 लाख लीटर के करीब पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजह शादियों का सिमटना, हलवाई व चाय सिरी की दुकानों का बंद होना है, जिससे दूध की एक बड़ी सप्लाई प्रभावित हुई है। दूध की बिक्री नहीं होने से अकेले सीकर संघ में घी और पाउडर और स्टॉक बढ़कर करीब 18 करोड़ का हो गया है। टोंक के मालपुरा के बछेड़ा गांव में घर में से अगवा कर जंगल से किशोरी के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पचेवर थाने में पीड़िता की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों युवक डिग्गी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। चारों युवकों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वही पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। बांसवाड़ा में बीती रात चोरों ने रतलाम मार्ग पर आबकारी विभाग से अधिकृत शराब की दुकान पर फिर धावा बोला और हजारों की महंगी शराब की बोतलें निकाल कर ले गए। इधर ठिकरिया के एक मार्बल उद्योग के दफ्तर में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यहां 3 चोर CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों ही जगह चोरी रात 12 बजे के बाद हुई है। बूंदी के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले की नैनवा और तालेड़ा पंचायत समितियों के 33 ग्राम पंचायतों में 10,37,17,082 रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। पंचायत समिति नैनवा की 17 ग्राम पंचायतों में 45 कार्यों के लिए 3,71,25,531 रुपए स्वीकृत किए। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है।
बल्कि देश भर के किसानों का संपूर्ण गेहूं सरकार खरीदेगी। कोविड-19 के संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के चलते खरीद की प्रक्रिया थोड़ी धीमी चल रही है। किसान धैर्य रखे, उनका पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में खरीद केंद्रों पर गेहूं खरीद का दायरा बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के चलते भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को प्रदेश में खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है। प्रदेश में अब कोरोना रेड और ऑरेंज जोनों में आ रहे नगरीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की ऐसी औद्योगिक इकाई भी शुरू नहीं हो सकेगी जो औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित एकल श्रेणी की इकाई हो। हालांकि इसके संचालन के लिए जरूरी होगा कि श्रमिक क्रामिकों को इकाई परिसर में ही रखा जाए और उनके आने जाने पर नियंत्रण हो। सरकार ने साफ किया है कि अनुमत श्रेणी की इकाई संचालन के लिए राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में किसी भी जोन के श्रमिकों का एक बारीय परिवहन किया जा सकता है। इसके लिए श्रमिकों को कार्यस्थल पर ठहराने, नियोक्ता की ओर से डेडिकेटेड वाहन उपलब्ध कराने, सुरक्षा उपायों की पूरी पूर्ति की शर्त होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.